ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी, आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। नौकरी का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाली कंपनी पर फिर हुई कार्रवाई, 11 लोग गिरफ्तार। ठग कंपनी के दोनों डायरेक्टर अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर। भाजपा के दिग्गज नेता का डिस्को डांसर के साथ अश्लील वीडियो वायरल, नेताजी को पदमुक्त करने की जानकारी आई सामने। और उदयपुर पुलिस ने चलाया ऑपरेशन एंटीवायरस, विभिन्न थाना क्षेत्रों में घूमे हुए करीब 550 मोबाइल रिकवर। एक तथा कथित कंपनी द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर भोले भाले लोगों से ठगी करने का सिलसिला थम नहीं पा रहा है। उदयपुर की सुखेड़ थाना पुलिस ने सुखेड़ थाना क्षेत्र में स्थित एक कंपनी के ऑफिस में दबिश देकर 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। सुखेड़ थाना पुलिस ने इसी स्थान पर 24 जून को दबिश देते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया था। ERCP नामक कंपनी का पर्दाफाश किया था, लेकिन इसके दोनों डायरेक्टर्स आज भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। उदयपुर पुलिस ने करीब 3.5 महीने पहले जिस मेधपाट भवन में दबिश देकर 9 लोगों को गिरफ्तार किया था, उसी कंपनी पर एक बार फिर दबिश देते हुए 13 लोगों को फिर से गिरफ्तार किया गया है। इस कंपनी द्वारा भोले भाले लोगों को नौकरी का झांसा देकर ठगी करने का आरोप है। उदयपुर पुलिस ने एक बार फिर इस कंपनी के ऑफिस में दबिश दी और उसी अंदाज में भोले भाले लोगों को ट्रेनिंग देने के नाम पर सदस्य बनाने के बाद उसने नए सदस्य बनाने और सदस्य बनने वाले शख्स से मिलने वाली राशि में कंपनी द्वारा कमीशन देकर नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर ठगी की जा रही थी। इसी कंपनी से जुड़ने वाले लोग लगातार गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन कंपनी के दो डायरेक्टर्स ललित सिंह और दिनेश शर्मा पुलिस की गिरफ्त से दूर है। सुखेड़ थाना अधिकारी हिमांशु सिंह राजावत ने बताया कि चित्रकूट नगर में इस कंपनी को चलाने की सूचना मिली थी, जहां के कर्मचारी नौकरी दिलाने के नाम पर गांवों के बेरोजगार युवाओं को झांसा देकर पैसे हड़पने का काम करते हैं। पुलिस टीम ने चित्रकूट नगर स्थित मीरा मेधपाट भवन के पास एक बिल्डिंग में दबिश देते हुए बिल्डिंग की पहले मंजिल पर पहुंचकर वहां हॉल में करीब 120 युवक युवतियों को पकड़ा, जो अलग अलग ग्रुपों में कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे और उन्हें झांसा देकर पैसे हड़पने का काम कर रहे थे। इसके चलते पुलिस ने पवन कुमार बेरवा निवासी सवाई माधवपुर, लोकेश कुमार बेरवा, राहुल बेरवा, सूरज योगी, सोनू जाट निवासी अलवर, दिनेश मीणा, राम नारायण मीणा, प्रेमसुख निवासी नागौर, महेंद्र राम गोदारा निवासी जोधपुर, राम निवास जालोर, संदीप जाट निवासी हनुमानगढ़, लहरा गागा, हरदीप सिंह सिख निवासी पंजाब और मोहम्मद शिबली निवासी उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्हें इलेशन कैरियर रिसर्च मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संचालक दिनेश सिंह और ललित शर्मा ने कंपनी में नए मेंबर बनाने को कहा है, जिसके चलते यह गिरोह बेरोजगार युवक युवतियों को नौकरी के नाम पर बुलाते हैं और फिर उन्हें अलग अलग स्कीमें बताकर 8,300 और 60,000 रुपए उनसे लेते हैं। यह राशि कंपनी के खाते में जमा होती है। पुलिस इस कंपनी के संचालक दिनेश सिंह और ललित शर्मा की तलाशी कर रही है। पुलिस आरोपियों से ठगी के बारे में पूछताछ करते हुए मामले का अनुसंधान कर रही है। भाजपा के एक दिग्गज नेता का डिस्को डांसर के साथ होटल के कमरे में अतरंग पलों का वीडियो वायरल होने के बाद खलबली मच गई है। तथाकथित नेताजी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व उप जिला अध्यक्ष बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि नेताजी ने खुद ही इस वीडियो को बनाया था। वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा के नेताजी को पद मुक्त कर दिया गया है। भाजपा के एक नेता द्वारा होटल में एक लड़की के साथ वीडियो बनाना भारी पड़ गया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व उप जिला उपाध्यक्ष रह चुके नेताजी को भाजपा के पद से मुक्त कर दिया गया है। वीडियो कब का है और किस होटल में बनाया गया है, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद भाजपा देहात जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान द्वारा नेताजी को पद मुक्त करने की जानकारी भी सामने आ रही है। इतना सारा चिल्लाओ मत, ये लो वाइटेक्स लिक्विड डिटर्जेंट, काम जल्दी और आसानी से होगा।
कीमत कम काम में दम, कपड़ों की लाइफ बढ़ाए आपके बजट में आए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। बांसवाड़ा जिले में आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन द्वारा शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। इस बैठक में जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव, पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में नगर सभापति जितेंद्र त्रिवेदी व अन्य विभागीय अधिकारी और समिति के सदस्य मौजूद थे। बांसवाड़ा प्रशासन द्वारा आयोजित शांति समिति की इस बैठक में आगामी त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। इसके लिए संबंधित अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। समिति के अध्यक्ष और संबंधित विभागों के अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि त्योहारों से पहले सड़कों की मरम्मत और लाइट व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाए। इसके अलावा जुलूस के दौरान रूट चार्ज भी तैयार किया गया है ताकि आयोजनों को सुचारू रूप से संपन्न किया जा सके और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो पाए। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घड़ी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम उदयपुर पहुंचे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों की बैठक लेते हुए कहा कि पुलिस सरकार का चेहरा होता है। पुलिस की कार्यप्रणाली को देखकर ही आमजन में सरकार की छवि बनती है। ऐसे में सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वह अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी गंभीरता के साथ करें। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने सर्किट हाउस में प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने उदयपुर पुलिस को कानून व्यवस्था के मामले में उत्कृष्ट जिला बनाने की दिशा में काम करने के भी निर्देश दिए। साथ ही अपराधियों से सख्ती से निपटने और आमजन में विश्वास कायम करने की बात कही है। उन्होंने उदयपुर विधायक तारा चंजेन और वल्लभ नगर विधायक उदयलाल डांगी से भी चर्चा करते हुए इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थितियों के बारे में भी फीडबैक लिया है। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, महानिरीक्षक अजय पाल लांबा और एसपी योगेश गोयल से जिले में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के संबंध में जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। उदयपुर पुलिस द्वारा ऑपरेशन एंटीवायरस चलाते हुए गुमशुदा मोबाइल फोन्स को बरामद करने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इस अभियान के तहत उदयपुर जिले के विभिन्न पुलिस थाना क्षेत्रों में अभियान चलाते हुए 548 फोन बरामद किए गए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सभी मोबाइल फोन्स उनके मालिकों को लौटाने की कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि महानिदेशक पुलिस एसटीआर बी साइबर क्राइम उदयपुर रेंज में ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान चलाने के निर्देश मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर उदयपुर जिले की सभी थाना क्षेत्रों में ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया गया। पुलिस द्वारा ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत मोबाइल गुमशुदगी की शिकायतों को पोर्टल पर अपडेट किया गया। पोर्टल पर इन गुमशुदा मोबाइल फोन के ट्रेस होने पर पुलिस ने सभी मोबाइल फोन को रिकवर किया है। उदयपुर के सभी थाना द्वारा कुल 548 मोबाइल फोन को रिकवर किया गया, जिसमें सर्वाधिक अंबामाता थाना पुलिस द्वारा किए गए। अंबामाता थाना पुलिस ने 131 मोबाइल फोन को रिकवर किया है, जबकि सबसे कम मांडवा थाना पुलिस द्वारा किए गए कुल 548 मोबाइल फोन्स में से 194 मोबाइल को प्रार्थियों को वितरित किया गया। बाकी 354 मोबाइल फोन का वितरण पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल द्वारा मंगलवार को किया गया है। देखिए, मोबाइल खोना और मोबाइल छीनने की वारदातें एक आम अपराध बन गया है, क्योंकि लगभग सभी व्यक्तियों के पास अपना एक मोबाइल होता है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, सस्ता हो, महंगा हो। इस तरह की कंप्लेंट्स पुलिस के पास भी फ्रिक्वेंटली आती हैं।
मोबाइल की कंप्लेंट रजिस्टर होने के बाद उसे ढूंढना पुलिस के लिए हमेशा एक चुनौती रहा। इस तरह की शिकायतें आम होने के कारण भारत सरकार द्वारा एक CEIR के नाम से एक पोर्टल बनाया गया, सेंटर इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। ये पैन इंडिया एक पोर्टल है। इस पोर्टल पर कोई भी मोबाइल जो चोरी का है उसको रजिस्टर करने के पश्चात अगर वो मोबाइल कहीं पर भी ऑपरेट हो रहा है तो उसकी सूचना हमें प्राप्त हो जाती है। जैसे कि उदयपुर का मोबाइल अगर मान लीजिए बॉम्बे में चल रहा है तो बॉम्बे की पुलिस भी उस मोबाइल को रिकवर कर सकती है या उसको इसकी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकती है। इसी तरह से उदयपुर पुलिस द्वारा जो सरकार के द्वारा इस मोबाइलों को ट्रेस करने के लिए एक एंटीवायरस ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन के तहत उदयपुर पुलिस द्वारा जो विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी हुए हुए या अन्यथा मिसिंग हुए हुए मोबाइलों को रिकवर करना स्टार्ट किया और इसके तहत पिछले 2-3 महीनों में लगभग 550 मोबाइल हमने विभिन्न माध्यमों से रिकवर किए और आज ये मोबाइल आज आपके सामने हैं, जिन्हें आज हम हमें वापस इनके होल्डर्स को वापस सुपुर्द करेंगे। देखिए मोबाइल सिर्फ हम सिर्फ एक मोबाइल ही उनको वापस सुपुर्द नहीं कर रहे हैं, उनको वापस उनकी एक मुस्कान, उनकी एक मेमोरीज़ भी वापस हम उनको हैंड ओवर कर रहे हैं। क्योंकि मोबाइल्स के अंदर आपका फाइनेंशियल डाटा, आपकी मेमोरीज़, आपकी फ़ोटोज़, आपकी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो अन्यथा आपके कहीं और आप स्टोर करके नहीं रखते हैं। तो आज हम उनको ये सारे मोबाइल उनको सुपुर्द कर रहे हैं जो आज आपके सामने हैं। और ये सारा कार्य हमारी उदयपुर पुलिस के जो पुलिस थानों में लगे हुए, अलग अलग थानों में लगे हुए जो सिपाही हैं, हेड कॉन्स्टेबल्स हैं, जिन्होंने अथक मेहनत करके, प्रयास करके इन मोबाइलों को रिकवर किया और रिकवर करने के बाद वापस इनके मालिक को आज हम सुपुर्द कर रहे हैं। देखिए सभी थानों में है, लगभग संख्या वाइज अलग अलग है। शहर में इसकी संख्या जो शहरी थाने में उनकी थाना उनमें इनकी संख्या कंपेरेटिवली रूरल पुलिस स्टेशन से ज़्यादा है। अम्बा माता, हिरण मगरी, सवीना, सुखेर, सूरजपोल, इन सभी थानों का इसमें जो प्रेस नोट के अंदर हमने आपको इसकी विस्तृत डिटेल भी शेयर की है। ये मोबाइल जो आपके सामने पड़े हैं लगभग 350 हैं। लगभग 550 मोबाइल हमने रिकवर कर लिए। इसके अलावा जो करीब 150-200 मोबाइल हैं वो इसके पूर्व हम ऑलरेडी उनको सुपुर्द कर चुके हैं। कुछ ओनर्स आज हमारे आपके सामने आए जिनको हम उनके मोबाइल्स हम सुपुर्द करेंगे। इसके तहत अलावा चूँकि सभी आना यहाँ संभव नहीं है, थाने में जो भी इनके मालिक होंगे उनका नाम पता सब कुछ इस मोबाइल के पीछे लिखा हुआ है, तो उन्हें उसके अनुसार उन्हें सपोर्ट करें। 17 जून 2024 को मैं रात को 8:30 से 9:30 के बीच में अपने घर के वहाँ पे राम सिंह की बाड़ी में टहल रहा था और बात करते हुए, तो पीछे से 2 लड़के मोटरसाइकिल पे आए और धक्का देके मुझसे ये मोबाइल छीन के ले गए। तो मैं तुरंत इसको ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कराई और एक सवीना थाने में जाके मैंने इसकी कंप्लेंट दर्ज कराई थी। और उसके बाद में वहाँ के जो थाना अधिकारी और थाने के जो कांस्टेबल हैं और पुलिस अधिकारी हैं सुशील कुमार जी, उन्होंने इस मोबाइल को ढूंढने में मेरी काफ़ी मदद करी और उनके सहयोग से मुझे आज ये मोबाइल पुनः प्राप्त हुआ है। तो मैं हाँ उम्मीद तो पूरी थी मुझे, और 1 महीने पहले इनका फ़ोन भी आ गया था कि आपका मोबाइल मुझे मिल चुका है, तो आगे जो है कार्रवाई करके हम आपको सुपुर्द कर देंगे। तो मुझे पूरा खुशी तो बहुत है कि मेरी मेहनत की कमाई थी ये, कि इतनी मेहनत की कमाई से हम लोग सामान लेते हैं और चोरी हो जाता है और उसके बाद वापस मिलता है, तो इसके लिए तो बहुत खुशी की बात है क्योंकि मेहनत की कमाई इतनी आसानी से नहीं जानी चाहिए। तो अच्छे पैसों से ली हुई थी इसलिए वापस मुझे मिल गई है। तो मैं मीडियाकर्मी और पुलिस अधिकारियों का सबका धन्यवाद देता हूँ और SP साहब का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मोबाइल लौटाया, धन्यवाद। चलते चलते फिर नज़र डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। नौकरी का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाली कंपनी पर फिर हुई कार्रवाई, 11 लोग गिरफ्तार, ठग कंपनी के दोनों डायरेक्टर अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर। भाजपा के दिग्गज नेता का डिस्को डांसर के साथ अश्लील वीडियो वायरल, नेताजी को पदमुक्त करने की जानकारी आई सामने। और उदयपुर पुलिस ने चलाया ऑपरेशन एंटीवायरस, विभिन्न थाना क्षेत्रों में घूमे हुए करीब 550 मोबाइल रिकवर। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, अब दीजिए इजाजत माधुरी को, आप जुड़े रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार।
ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91 आवाज हम सबकी।